ओडिशार विकास बाटबणा राज्यर जनसाधारण को सुशासन जोगाय देबारे सरकार होइछन्ते विफल। पब्लिक अफेयर्स कमिटी पीएससी प्रकाश करिछि देशर सबुठ सुशासित एवं खराब शासित राज्यर तालिकारु एपरि सांघातिक तथ्य सामना को आसिछि। समता अभिवृद्धि एवं परिपोषणता को नहीं होता एक सर्वे रिपोर्ट कहि राज्यर जनसाधारण को उत्तम शासन जोगाय देबारे केरल सबुठ आगरे रही। तबे शुक्रवार पीएससी जारी करथिबा रिपोर्ट रे ओडिशार स्थान तलाडू 3 नंबर रही। पीएससी रैंकिंग अनुजाई प्रथम केरल 1.388, द्वितीय रे तमिलनाडु 0.912, तृतीय रे आंध्रप्रदेश 0.531 एवं चतुर्थ रे कर्नाटक 0.468 पॉइंट पाइछन्ते। पीएससी वार्षिक रिपोर्ट रे कुहा जाय छि जे विकास प्रसंग रे एक मिश्रित सुशासन को उपरे आधार करी राज्य गुड़िक शासन परिचालना उपरे स्थानित होय छे। इसरो रा पूर्वतर अध्यक्ष के कस्तुरींक नेतृत्व रे ए तालिका प्रकाश पाइ छे। संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन रे जोडिसनाम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्य जाने पई चाहिबे राज्यवासी को सुशासन जोगाय देबारे राज्य सरकार विफल, एक कथा आमे कहुने एक कथा ई तालिका रु जहां स्पष्ट होइछि, अर्थात जहां सूचना मध्ये आसी कि देशर सुशासित एवं खराब शासित राज्य भितरे तळाडू 3 नंबर ओडिसा रहिछि। निश्चित भाव देखते विस्मी राज्य सरकार गुड गवर्नेंस कथा कहते हैं प्रत्येक लोक पाखे सरकार सुविधा सरकारी जेकोसी योजना पहुंचार कथा कहते किंतु सरकार प्रसंग एवं तार वास्तवता को पीएससी रिपोर्ट संपूर्ण भाव में दर्शाई। आप देखु सरकार 5G कथा कहते मो सरकार कथा कहते परिस्थिति में कि लोक पाखे सुशासन पहुंचुची लोक कि सरकार शासन व्यवस्था लाभ उठाई पार्टी तार आपक उदाहरण देखि जिते ग्राउंड रम रिपोर्टर बंधु मैंने रिपोर्ट कलेक्ट करते समय आप जापारे कि भाव राज्य में गुड गवर्नेंस चलती कि भाव लोक उत्तम शासन व्यवस्था जगह दिखाई कि आज जो रिपोर्ट आ रिपोर्ट निहाती भाव में गोटे बड़ सांघातिक खुलासा कर राज्य सरकार दीर्घ वर्ष शासन जदि कह शासक दल ये दीर्घ 20 वर्ष शासन करापर भी ओडिशा लोक मैंने सुशासन पाइबार वंचित के राज्य आगे अच्छी जो राज्य आप देखिए ओडिशा ठू बहुत पचरे सब राज्य गठित होती सब राज्य आज गुड गवर्नेंस तथा उत्तम शासन जोगेबारे से बहुत आगे अच्छा केरल कथा कह कर्णाटक कथा कह तमाम राज्य आंध्र प्रदेश देखु किंवा तमिलनाडु देखु एवं तमाम राज्य जो मैंने आम ठू बहु पचर राज्य हिसाब से परिगणित होते हैं राज्य हिसाब से सृष्टि कराइला से आज बहु आगे अच्छा ओडिशा तलाड़ू 3 नंबर अच्छे निहाती भाव में ओडिशावासियों यह गोटे अति दुखदायक खबर जे ओडिशा रे सुशासन जोगेबारे सरकार विफल होती ओडिशा रे जो विकास कथा सरकार कहते क्यों ना क्यों आज बाटबणा होती प्रत्येक जिन देखु समता कथा कहतु अभिवृद्धि कथा कहतु परिपोषणीयता को लेकिन प्रश्न उठा हो प्रत्येक क्षेत्र में राज्य में विकास हो पारे प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम शासन व्यवस्था आम राज्यवासी पाईना एक जल जल ही पुष्ट हो दुई मास ते जो कमिटी गठन कराइला पीएससी अर्थात पब्लिक अफेयर कमिटी गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रत्येक वर्ष से रिपोर्ट दर्शा जाए जे के राज्य में किभ भाव शासन व्यवस्था जोगाई दिया जो थे दुखर विषय होती ओडिशार स्थान आसी तला तृतीय नंबर रही आ गोटे कथा आप देखिए के कस्तुरी रंगन जो नेतृत्व जो कमिटी गठन कराइला से होती इसरो पूर्वतन अध्यक्ष रिपोर्ट को अवमान करान जापे रिपोर्ट गोटे बड़ प्लाटफर्म आनी राज्य में किभ भाव शासन चलती और आपको निहाती भाव में सुधार आवश्यक रही जदि बर्तमान राज्य में यही शासन व्यवस्था सुधार न जाऊँगी तेल आगामी दिन में गोटे बड़ भयंकर सृष्टि हम जितेबले कि राज्य प्रत्येक लोक आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा कह कि जेकोसी परिस्थिति विकासमूलक योजना कथा कह कि अन्य जेकोसी सरकारी योजना अच्छी से सब योजन वंचित हे विशेषकर आप देखिए राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति गोटे बड़ पार्ट हिसाब से आपतु आईन श्रृंखला परिस्थिति राज्य कि भाव में आईन श्रृंखला परिस्थिति घुसुची आप देखिथे विभिन्न समय राजधानी कथा देखो राजधानी में आप देखिए दिन दिपर लोक मर्डर कराऊ हत्या कराऊ एक आप निजे अनुभव कर सहित आज नारी अस्त्राचरण मामला हूँ किंवा जदि कह जौन उत्पीड़न मामला हूँ यही क्षेत्र में आम राज्य बहु आगे अच्छे ये सब क्षेत्र में जी सरकार आगुआ पदक्षेप नीतिगत निष्पत्ति निब क्षेत्र में लोक मैंने उत्तम शासन व्यवस्था पाईपारे सहित विशेषकर सरकार जो विकासमूलक योजना रही लोक मैंने पहुंच पारे लोक मैंने उपकृत हो पारे उत्तम शासन व्यवस्था आराम से सामना को आसी पारता किंतु सरकार जेहेतु से प्रति दृष्टि ना निगा ना
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଏକଥା ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ପିଏସ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଯାହା ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିବ, ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଯୋଗାଇବାର ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ମୋ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫାଇଭ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାହଉଛି। ତାପରେ ବି ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଘୋଷଣା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ବାସ୍ତବତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ନିହାତି ଦିବ୍ୟ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି କି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି, କେବଳ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ କି ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନେ, ଏକଥା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।